रेड फ्लेम केकी की तरफ ऐसे दिख रहा है मानो उसकी अंतिम यात्रा में उसका भगवान उसके सामने हो। रेड फ्लेम जानता है कि उसके जाने के बाद भी केके उसकी फैमिली का पूरा ख्याल रखेगा। इधर केके रेड फ्लेम से नजरें नहीं मिला पा रहा है, उसको बस अभी कैसे भी करके रेड फ्लेम को हॉस्पिटल पहुंचाना है। केके भले ही ये जाहिर नहीं कर रहा कि वो डरा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है, वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। रेड फ्लेम उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था, जिसका जिंदा रहना केके के लिए बेहद जरूरी है। केके के मुंह से अचानक निकला, सोम तुम बहुत बेहतरीन इंसान हो, तुमसे हिम्मती इंसान मैंने नहीं देखा, तुमने मेरे लिए जो भी किया है उसका कर्ज मेरे ऊपर। केके के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रेड फ्लेम ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों उसे आराम करना है या अब वो इस दुनिया से विदा लेना चाहता है। जब केके रेड फ्लेम को देखता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली है, तब केके उससे कहता है, सोम मेरे खातिर अपनी आंखें खोलो, आंखों को बंद मत करो, थोड़ी हिम्मत और जुटाओ, हम बस अस्पताल पहुंच ही रहे हैं। ये कहते हुए तेजी से गाड़ी चलाना केके शुरू कर देता है। कुछ 15 मिनट के बाद केके रेड फ्लेम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इस समय हॉस्पिटल में हरीश और डॉक्टर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अस्पताल केके के ग्रुप से थोड़ा दूर है, लेकिन हरीश का घर उसके हॉस्पिटल से काफी नजदीक है, जिसकी वजह से वो केके से जल्दी पहुंच गया है। केके कार का दरवाजा खुलता है, दूसरी तरफ हरीश अस्पताल कर्मियों के साथ रेड फ्लेम को स्ट्रेचर पर लिटाकर बहुत ही आराम से अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर आते ही हरीश ने रेड फ्लेम की तरफ देखा, केके थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है, वो बस एक टक हरीश को देखे जा रहा है। केके की हार्ट बीट काफी तेज है, उसे लग रहा है कि कैसे भी करके बस हरीश ये कह दे कि वो रेड फ्लेम को ठीक कर देगा। हरीश धीमे कदमों से रेड फ्लेम की तरफ बढ़ता है और उसकी नाक पर अपनी उंगली रगाता है। रेड फ्लेम की सांसें थम चुकी हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, उसने संसार से विदाई ले ली है। रेड फ्लेम हरीश का दोस्त था, उसका साथी था। हरीश का दिल जोरों से धड़कने लगा, उसने उदास नजरों से केके की तरफ देखा और नामे से हिला दिया। हरीश के इस इशारे ने केके को और तोड़ दिया, वो अपने आप दो कदम पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। केके की आंखें भर आई हैं। इससे कुछ सालों पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें केके ने अपनी जान पर खेलकर रेड फ्लेम की जान बचाई थी। केके उस वक्त बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसने रेड फ्लेम को कुछ नहीं होने दिया। उस वक्त रेड फ्लेम ने केके से कहा था, आज से मेरी जान आपकी है, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं इसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर केके ने रेड फ्लेम से कहा था, अगर तुम्हारी जान मेरी है तो इसे मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। केके को आज सारी बातें याद आ गई, रेड फ्लेम ने सच में वो कर दिया जो उसने कहा था। तभी केके को एक और बात याद आई, जब रेड फ्लेम की वाइफ ने देखा कि वो केके के प्रति बहुत ईमानदार और भावुक है, तो उसे इस बात का डर था कि कहीं रेड फ्लेम को कुछ हो ना जाए। जब इस बात का एहसास केके को हुआ तो उसने सोम की पत्नी से वादा किया कि वो कभी रेड फ्लेम को ऐसी जगह नहीं भेजेगा जहां उसे उसकी जान का खतरा हो। लेकिन आज जो हुआ उसके बाद रेड फ्लेम की वाइफ को वो कैसे फेस करेगा? अचानक से केके रेड फ्लेम की बॉडी के पास जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, सॉरी मैं तुम्हें नहीं बचा सका, अब मैं मेघा को क्या जवाब दूंगा। थोड़ी ही देर पहले प्रवीण भी हॉस्पिटल पहुंच चुका है। जब वो केके के करीब जाता है तो वो केके को रेड फ्लेम से बात करते हुए सुनता है। हरीश भी उसके साथ है। प्रवीण और हरीश समझ जाते हैं कि केके ये सारी बातें रेड फ्लेम की बॉडी के सामने क्यों कर रहा है। सभी बहुत दुखी हैं। प्रवीण केके की हिम्मत बढ़ाने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। प्रवीण को देखकर केके उससे कहता है, जब हम अपनी लाइफ के सबसे कमजोर वक्त में होते हैं, जहां से हमें कोई रोशनी नजर नहीं आती, जहां चाहे जितना चीख लो कानून में खुद की आवाज लौट कर आती है, ऐसे समय में हमें पता चलता है कि कौन सच में अपना है। कितने कम लोग होते हैं जो हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं।
केके थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर आगे कहता है, लोग अपनी लाइफ में हमेशा अपने लिए लड़ते हैं। वो दूसरों से सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि कोई है जो उनके आगे है, उन्हें भी उसे जवाब देना है। लेन देन का जनन इस तरह से फेमस हो चुका है कि इमोशन जैसी चीज दुनिया में बची ही नहीं है। ऐसे में अगर आपकी खुशकिस्मती से आपको ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपकी सर्द रातों में कोयला और कुछ लकड़ियां भेज सके, तो उन्हें संभाल के रखना चाहिए। अगर कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपकी हजार गलतियों के बाद भी आपसे प्यार करे, आपको सहन कर ले, आपको छोड़कर ना जाए, तो उन्हें अपने साथ बांध कर रख लेना चाहिए। अगर कोई भाई ऐसा हो जो आपके कांटे अपने पैरों से चुभाने को तैयार हो, तो ऐसे भाई के लिए मर मिट जाना चाहिए। ये कहते हुए केके का गला भर आया। प्रवीण और हरीश दोनों केके के गले से लिपट गए। थोड़ी देर तक तीनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, फिर हिम्मत करके हरीश ने कहा, रात हो चुकी है, इस वक्त अंतिम संस्कार करना सही नहीं होगा, इसलिए आज सोम की बॉडी को मुर्दा घर में रखते हैं, कल उसका अंतिम संस्कार करेंगे। हरीश की बात सुनकर केके ने हां में सिर हिलाया। तभी प्रवीण ने कहा, मैं मेघा को कॉल करके उसे खबर दे देता हूं। केके ने प्रवीण से कहा, नहीं, मेघा को कॉल मैं करूंगा। केके ने अपना मोबाइल निकाला और थोड़ी दूर जाकर मेघा को कॉल किया। लगभग 10 मिनट तक केके कॉल पर ही रहा, उसके बाद केके ने कॉल कट कर दिया। मेघा और केके के बीच क्या बात हुई है ये अभी तक सिर्फ वही दोनों जानते हैं। केके जब वापस आया तो हरीश ने कहा, चलो रात काफी हो चुकी है, अब तुम थोड़ा आराम कर लो, सुबह हमें सोम का अंतिम संस्कार भी करना है। केके ने हरीश और प्रवीण से कहा, तुम दोनों जाओ, मैं अकेले घर चला जाऊंगा। उसके बाद उन दोनों ने केके को जरा भी फोर्स नहीं किया। थोड़ी देर में केके ब्लैकवुड विला पहुंचा। देर रात होने की वजह से सभी लोग सो चुके हैं। केके अपने घर आकर भी मातम ही महसूस कर रहा है। सारे विला की लाइट इस वक्त उसे जरूरत से ज्यादा धूमिल नजर आ रही है। केके धीरे से बेडरूम में जाता है और देखता है कि स्पदा सो चुकी है। केके सबसे पहले वॉशरूम में जाता है और शावर ऑन करके लगभग आधे घंटे तक उसके नीचे खड़ा रहता है। उसके बाद केके कपड़े पहनकर बाहर आता है और स्पदा के पास सो जाता है। सुबह जब केके की आंखें खुलती है तब तक स्पदा उठ चुकी है। वो स्पदा से बाहर चलने के लिए कहता है। स्पदा केके से सवाल करती है कि वो कहां जाने वाले हैं, तो केके उसे कुछ नहीं बताता। कुनिका को केके घर में ही रहने को कहता है क्योंकि कुनिका प्रेग्नेंट है और इस हालत में उसे ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। रास्ते भर स्पर्धा केके को नोटिस कर रही है। वो देख पा रही है कि केके बहुत उदास है, लेकिन स्पर्धा केके से कुछ नहीं पूछती। जब थोड़ी देर बाद स्पर्धा देखती है कि केके उसे हॉस्पिटल लाया है, तो स्पर्धा कहती है, पार्टनर मैं बीमार थोड़ी हूँ, आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं मुझे। केके स्पर्धा से कहता है, मैंने कब कहा कि तुम बीमार हो, मैं बस तुम्हें मेरे साथ चलने को कह रहा हूँ, चल सकती हो ना। केके की बात सुनने के बाद स्पदा केके का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उससे कुछ नहीं पूछती। थोड़ी देर बाद जब स्पदा अपने सामने मुर्दा घर को देखती है तो उसका दिल घबराने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि आखिर केके इतना शांत क्यों है। स्पदा जब अंदर जाती है तो देखती है कि वहां पर हरीश, प्रवीण, राहुल और यूसुफ और अभिनव पहले से खड़े हैं। उनके सामने एक बॉडी रखी हुई है। स्वधा धीमे कदमों से उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये तो रेड फ्रेम की है। रेड फ्रेम को देखकर स्वधा शॉक्ड हो जाती है। ये अलग बात है कि स्वधा ने कभी रेड फ्रेम से ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन वो ये बात जानती है कि ये इंसान केके के काफी करीब था। उसके बारे में सोचकर ही स्वधा का दिल भर आता है। स्वधा रेड फ्रेम की बॉडी को देखती है। वो जानती है कि सोम कितना अच्छा इंसान था। उसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोम इस तरह से मर जाएगा। तभी राहुल मुड़कर केके से कहता है, अब इसे लेकर चलते हैं।
केकी की आंखें नम है। वो कहता है, हाँ भेजो लो। हरीश पूछता है, क्या मेघा नहीं आएगी? केके कहता है, शायद नहीं, अगर वो ये सब देखेगी तो खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। मुझे पता है कि किसी अपने को राख में तब्दील होते हुए देखना कितना पेनफुल होता है। केके की बात से सभी सहमत हैं, इसलिए हरीश और कुछ लोग मिलकर रेड फ्रेम की बॉडी को उठाकर कार में रखते हैं। फिर सभी लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट की ओर चल देते हैं। पूरे रास्ते सभी लोग बिल्कुल चुप और दुखी हैं। कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। स्वरा केके के चेहरे की ओर देखती है। केके के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। स्वरा जानती है कि केके अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस कर रहा होगा। आखिरकार जो लोग इतने सालों से उसके साथ थे, उन्हें एक एक करके अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, ये दर्द सिर्फ केके ही समझ सकता है। कुछ ही देर में सभी लोग शमशान घाट पहुंच जाते हैं। उन्होंने बॉडी को डोम को सौंप दिया। डोम ने लकड़ियों की चिता पर सोम की बॉडी को रख दिया। फिर केके की तरफ इशारा करके डोम ने चिता में आग लगाने के लिए कहा। केके जलती हुई मशाल लिए चिता के सामने खड़ा अंदर ही अंदर दहाड़ मारकर रो रहा है। उसके हाथ कांप रहे हैं कि जो व्यक्ति कुछ घंटों पहले तक उसके साथ था, अब वो कभी दिखाई नहीं देगा। उसने रेड फ्रेम की चिता को आग दी और तब तक खड़े होकर दिखता रहा जब तक वो लाश राख नहीं बन गई। केके के दिल में दुख, तकलीफ और गुस्सा तीनों एक साथ चल रहा है। राख को एक मटके में भरा गया और अंतिम संस्कार कराने वाले महाब्राह्मण ने उसे लेकर नदी में प्रवाहित कराने की अंत्येष्टि क्रिया करानी शुरू की। अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। तेज हवाओं के झोंके शुरू हो गए। पेड़ों के सूखे पत्ते तितली की तरह हवाओं में चक्कर लगाने लगे। चारों तरफ सन्नाटा है और सभी लोग हाथ बांधे खड़े हैं। महाब्राह्मण ने बोलना शुरू किया, समय हमारे सभी दुखों को भर देता है और वापस से हमें मोह की दुनिया में जीने के काबिल बना देता है। मसान हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो भी जीव, प्राणी, पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे, उन्हें एक दिन मरना ही होगा और प्रत्येक मनुष्य को एक दिन प्राण त्याग कर यहाँ पर आना ही पड़ता है। मनुष्य जब तक माया जगत में उलझा रहता है, तब तक उसे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, परिवार सजा लूं, कोठियां तनवा लूं, इस वक्त से तेज चलकर अपना एक मकान बना लूं, लोगों के बीच में यश वैभव अर्जित कर लूं। पर सच ये है कि इंसान जिसे जिंदगी भर हासिल करता है, वो सिर्फ भ्रम होता है। असल में हम जीवन भर सफर में होते हैं। शमशान हमारा मकाम होता है, जहां आकर हमारी इंद्रियों की दौड़ समाप्त हो जाती है। इस जगह पर वो व्यक्ति ना तो अपना कोई रिश्ता ला पाता है और ना ही अपना सजोया धन। ऐसी स्थिति में ईश्वर आप सभी लोगों को इस दुख से लड़ने का साहस दे। आप में से जो भी इनकी करीबी हो, वो यहाँ आए और इनके बारे में कुछ कहें और इनकी राख को जल में प्रवाहित करें। जहां मौत को सबसे बड़ा सच माना गया है, वहीं उसका सामना करने की हिम्मत जुटाना सबसे बड़ा काम है। अब केके और उसकी मंडली रेड फ्रेम की मौत का बदला कैसे लेगी? क्या अब केके मेघा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? मेघा उसके पति की मौत का जिम्मेदार किसे समझेगी? क्या केके इस बजा को अपने ऊपर हुए हमले के बारे में बताएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहर या प्यारी की कहानी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। केके और बाकी सभी लोग रेड फ्रेम के जाने का दुख मना रहे हैं। जब पंडित जी कहते हैं कि रेड फ्रेम के बारे में किसी को कुछ कहना हो तो वो कह सकता है, तब सभी केके की ओर देखते हैं। केके आगे आता है और कहता है, रेड फ्रेम की मौत से हमने एक अच्छा भाई खो दिया। वो भले आज इस दुनिया में नहीं है, पर उसका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और उसका निस्वार्थ भाव से काम को अंजाम देना, उसकी ईमानदारी, हमेशा कुछ नया सीखते रहने की ललक, उसका चरित्र, उसकी जिंदा दिली आज भी हम लोगों के बीच में जिंदा है।
और हम लोग ही उसका परिवार थे। वो हमारे परिवार का हिस्सा था। उसने अपनी एक छोटी सी फैमिली और बनाई थी जिसमें उसकी बीवी और वो थी। आज भले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो लेकिन वो ऊपर आसमान से हमें देख रहा होगा। मरे हुए व्यक्ति को दुनिया में वापस लाना तो संभव है पर हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। अब से हम अपने काम को दुगना उत्साह के साथ करेंगे और उसकी अधूरी रह गई ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। एक आखिरी बार हम उसकी मौत को जाया नहीं होने देंगे। इतना कहकर केके ने अस्थियां और रक्त दरिया में प्रवाहित कर दी। सभी लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए पुष्प को नदी में डाल दिया। रेड फ्लेम अनाथ था। उसके ना तो पिता थे और ना ही माँ। उसके सबसे करीबी दोस्त लोग ही थे जो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। भले ही पहले कुनिका को किसी ने रेड फ्लेम के बारे में नहीं बताया लेकिन जब उसे ये बात अभिनव से पता चली तो रेड फ्लेम के अस्थि विसर्जन में शामिल होने के लिए वो वैदेही और मोनिका के साथ गोमती नदी के किनारे घाट पर पहुंच गई थी। केके ने जब अपनी बात कहकर खत्म कर दी तब स्वधा, राहुल, हरीश, वैदेही, प्रवीण, मोनिका, यूसुफ, आरती और कुनिका सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन सभी की आंखें नम है। तभी स्वधा ने देखा कि एक लड़की सफेद रंग का सूट पहने दूर खड़ी रो रही है। वो दौड़कर घाट के पास गई जहाँ रेड फ्लेम की अस्थियां विसर्जित की गई थी और वहीं जमीन पर गिर गए वो जोर जोर से रोने लगी। सो तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। तुम झूठे निकले, अपना वादा भी नहीं निभाया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो सोम। ये मेघा है सोम की पत्नी। जब कुनिका ने मेघा को ऐसे रोते बिलखते देखा तो कुनिका दौड़ते हुए उसके पास आई और उसने मेघा को सहारा देकर उठाया। उसे चुप कराते हुए कुनिका ने कहा, मेघा मेघा खुद को संभालो। तुम इस तरह से रोकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। दरअसल मेघा रेड फ्लेम की वाइफ है। रेड फ्लेम और उनकी शादी को अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुए हैं। उसके पेट में रेड फ्लेम का बच्चा है। उन दोनों ने मिलकर भविष्य के न जाने कितने सपने देख डाले थे। पर कहते हैं ना कि हमारी सांसों की गिनतियां हमें भी नहीं पता होता कि कितनी हमारे हिस्से में आई हैं और हम इस बात से बेखबर तमाम ख्याल काल कर उन्हें बड़ा कर रहे होते हैं। पर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे सांसों की वैलिडिटी खत्म हो जाती है और तमाम सजोए सपने किसी बैग में बंद इसी दुनिया में छूट जाते हैं। केके ने मेघा की ओर देखा। उसकी आंखों में माफी है। उसने मेघा से कहा, रेड फ्लेम की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसकी मौत का बदला पूरी दुनिया देखेगी। मेघा मैं वादा करता हूँ तुमसे। कुनिका ने कहा, मेघा तुम्हें मेरे भाई की बातों पर भरोसा रखना चाहिए। कुनिका की बात सुनते ही मेघा ने गुस्से में पलट कर कहा, आपने मुझे वादा किया था कि सोम को कुछ नहीं होगा। आप उसका ख्याल रखेंगे। ये ख्याल रखा आपने मेरे पति का। मेघा की बात सुनकर केके को और ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर, रेड फ्लेम मेरी जान बचाते हुए मर गया। मेघा ने गुस्से में केके को झकझोरते हुए कहा, अब ये कहने का क्या फायदा जब वो इस दुनिया में राय नहीं। क्यों क्यों गया वो इस दुनिया को छोड़कर, मुझे छोड़कर, इस पेट में पल रहे बच्चे को छोड़कर। बोलो जवाब दो, क्या आप उसे वापस लाकर मुझे देंगी? वापस कर पाएंगे मेरे सोम को? इस दुनिया में मेरे लिए जीने का कोई मतलब बनता है अब? अचानक से मेघा रोते हुए केके के हाथों में काटने लगती है। केके चुपचाप सिर झुकाए खड़ा है। सब लोग ये देखकर डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि जाकर मेघा को रोक सके। स्वधा लेकिन इस तरह से केके को चोट पहुंचते नहीं देख सकती। वो जैसे ही मेघा को रोकने के लिए आगे बढ़ती है केके इशारे से स्वधा को रोक देता है। मेघा अभी भी दोनों हाथों से केके के सीने पर मार रही है और चीखते हुए कहती है, तुम मेरे सोम को वापस कर दो। तुमने उसे क्यों जाने दिया? उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरा सोम वापस चाहिए। तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। कुनिका पास खड़ी मेघा को रोते हुए देख रही है। वो उसे ऐसा करने से रोकना चाहती है
इसीलिए वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है और मेघा को पकड़ने की कोशिश करती है। मेघा गुस्से में कुनिका को पीछे की तरफ धक्का दे देती है। कुनिका खुद को संभाल नहीं पाती और जाकर जमीन पर गिर जाती है। कुनिका जब जमीन पर गिरती है तो वो पेट के बल गिरती है। उसे ऐसे गिरते देखकर सभी लोग घबरा कर चिल्लाते हैं, कुनिका कुनिका। केके और वहाँ पर खड़े सभी लोग कुनिका को देखकर घबरा जाते हैं। कुनिका जमीन पर अपने पेट को दोनों हाथों से दबाए पड़ी है। मोनिका दौड़ते हुए कुनिका के पास आई और उसको अपनी गोद में लेटाते हुए पूछा, कुनिका तुम्हें क्या हुआ? कुनिका ने दर्द में कराहते हुए कहा, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हरीश जमीन पर बैठकर कुनिका का चेकअप करते हुए कहता है, मैं कुनिका को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाकर इसका चेकअप कराऊंगा। मोनिका ने कहा, ठीक है, मैं उसे उठाकर गाड़ी में लिटाने में आपकी हेल्प करती हूँ। कुनिका ने दर्द में चीखते हुए कहा, भैया भाभी। स्पर्धा ने कुनिका से कहा, कुनिका सब ठीक है, तुम घबराओ मत, अभी तक तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जा रहा है। मैं और प्रवीण थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, खुद को संभालो। कुनिका ने कहा, ठीक है। उसके बाद मोनिका और हरीश उसे गाड़ी में लिटाते हैं। अभिनव दौड़कर ड्राइविंग सीट पर बैठता है और तेजी से गाड़ी लेकर निकल जाता है। स्पर्धा बिल्कुल परेशान और घबराई हुई ये सब देख रही है। कुनिका की ये हालत देखकर मेघा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये मुझसे गुस्से में हो गया। स्पर्धा मेघा को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इस बात के लिए खुद को ब्लेम मत करो। स्पर्धा जानती है कि जिस औरत ने अपना पति खोया हो उसका आपे से बाहर आना बनता है। राहुल ने मेघा को समझाते हुए कहा, मेघा तुम फिक्र मत करो, हम रेड ट्रेन की मौत का बदला जरूर लेंगे। मेघा ने राहुल की बात सुनी तो उसकी ओर मुड़कर कहा, बस अब मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब रेड ट्रेन का हत्यारा मारा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा जरूर करोगे। यूसुफ ने कसम खाते हुए कहा, फिक्र मत करिए, मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि रेड ट्रेन के हत्यारे को बहुत बुरी मौत देंगे। मेघा ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, अब आप लोग जाइए, मैं कुछ देर यहाँ के लिए रुकना चाहती हूँ। मेघा की बात सुनकर किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। केके ने भी कुछ नहीं कहा और मेघा को अकेला उसकी दुनिया में छोड़कर वो लोग चुपचाप वहां से निकल गए। मेघा खड़ी हो गई और सामने गोमती नदी को देखने लगी, जहां भी रेड ट्रेन की राख को विसर्जित किया गया है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उसने रोते हुए कहा, सुम, तुम एक माँ और बेटे को इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने रेड ट्रेन होने का फर्ज तो निभाया, लेकिन तुम भूल गए कि हमारी छोटी सी दुनिया में रेड ट्रेन की कोई जगह नहीं थी। तुम मेरे सोम थे जिसे हमारे लिए जीना चाहिए था। रेड ट्रेन की मौत से एक दिन पहले मेघा चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई थी। उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, 2 महीने का बच्चा उसके पेट में है। वो ये बात सुनकर कितनी खुश थी, पर उसे क्या पता था कि एक खुशी की खबर के साथ एक भयानक बुरी खबर भी साथ में जन्म लेगी। मेघा ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं और हमारा बच्चा भी तुम्हारे पास आ रहे हैं। इतना कहकर मेघा नदी में कूद गई। दूसरी तरफ शमशान घाट से सभी लोग बाहर निकल गए। तभी अचानक आरती ने कहा, रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। स्पर्धा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? आरती ने सभी की ओर देखते हुए कहा, जो औरत इतनी देर से अपने पति को वापस मांगने के लिए इतना रो रही थी, वो अचानक से कैसे मान गई? अगर वो अपने पति के कातिल का बदला लेना चाहती थी तो उसने पहले क्यों नहीं कहा जब आप सभी लोग उसे समझा रहे थे? उसका मन अचानक से कैसे बदल गया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना सुनने के तुरंत बाद केके और राहुल ने आरती से कोई सवाल नहीं किया। वो तुरंत शमशान घाट के अंदर की ओर भागी। स्पर्धा और आरती भी उनके पीछे पीछे दौड़ी। आरती का अंदाजा बिल्कुल सही है। जब वो घाट के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जगह भीड़ लगी है और लोग शोर मचा रहे हैं। केके और राहुल ने भीड़ के बीच में घुसते हुए देखा
कि जमीन पर मेघा बेहोश पानी से भीगी हुई पड़ी है। केके ने भीड़ की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ सिंह? भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा, ये औरत पानी में कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। हम लोगों ने देखा तो शोर मचाया। नदी में मौजूद गोताखोरों ने तेजी से इसकी तरफ बढ़कर इसे बाहर निकाला, पर ऐसा लगता है कि इसके पेट में बहुत पानी भर गया है। अगर जल्दी से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो ये मर भी सकती है। केके तुरंत झुककर मेघा की नब्ज चेक करने लगा। आरती ने मेघा के सीने को कसकर दबाना शुरू किया ताकि उसके पेट से पानी बाहर निकल सके। मेघा पर इन सब चीजों का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। आरती उसके मुंह में फूंक मारना शुरू करती है। स्पदा उसके तलवे को हाथों से रगड़ने लगती है। अचानक मेघा का शरीर थोड़ा हरकत करता है। मेघा धीरे से अपनी आंखें खोलती है। स्पदा उसे पूछती है, मेघा क्यों किया तुमने ये? हम अभी रेड प्लेन की मौत से उभर नहीं पाए और तुम क्या चाहती हो कि पार्टनर गिल्ट में रहे जिंदगी भर? स्पदा की बात सुनकर एक कमजोर सी मुस्कान मेघा के चेहरे पर आ जाती है। वो केके का हाथ पकड़कर उससे कहती है, आपका और सोम का रिश्ता मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो आपको बहुत मानते थे। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। आप अगर चाहते हो कि मैं आपको माफ कर दूं, तो बस मेरी बात मान लो। आप मेरी अस्थियों को भी इसी दरिया में डाल देना जहाँ पर अपने रेड क्लेम की डाली थी। मेघा की बात सुनकर केके कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर खुद का नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ख्याल तो किया होता जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। मेघा धीरे से कहती है, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है। सोम के बिना घुटन सी महसूस होती है। रेड प्लेन और मेघा एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते थे। वो दोनों की मुलाकात एक मिशन के तहत हुई थी। उस मिशन में रेड प्लेन ने मेघा को देखा जहाँ वो अपने माँ बाप की बॉडी के पास बैठी रो रही थी। रेड प्लेन ने ही उसे संभाला और उसके माँ बाप के कातिलों से बदला लिया। पिछले साल ही तो उन्होंने शादी की थी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हुई थी कि तभी रेड प्लेन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेघा ने अपने करीबियों को अपनी आंखों के सामने खोते देखा है। वो ईश्वर के इस खेल के आगे थक गई। अब वो 8 सारे दुखों से आजाद एक तक खुले आसमान को निहार रही है। आसमान अब बिल्कुल साफ हो गया है। कुछ देर पहले जो बूंदाबांदी हो रही थी अब वहां धूप खिलने लगी है। मौसम इस तरह से बदल गया है मानो ऊपर वाला भी मेघा को इस धरती पर ज्यादा देर तक नहीं रहने देगा। उसने भी इशारा दे दिया है कि वो अपने सोम से एक गलत दुनिया में मिल सकती है। केके अब कैसे काली से अपनी दोस्त और उसकी पत्नी की मौत का बदला लेगा? क्या कुनिका सही समय पर अस्पताल पहुंच जाएगी? काली की अगली चाल क्या होगी? क्या केके अब काली को मात देने के लिए पहले से तैयार रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहरिया प्याली की कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मेघा ऊपर आसमान की ओर देख रही है, ऐसे जैसे ऊपर से उसको कोई बुला रहा हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही हैं और उसकी मुस्कान बढ़ती जा रही है। मेघा धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं आ रही हूँ सोम अपने बच्चे को लेकर। इतना कहकर मेघा ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरती ने गले के पास की नस चेक करी, वो चलना बंद हो गई है। यूसुफ ने नाक के पास हाथ लगाया और इशारा करते हुए कहा, यह अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद हम मरने वाले का दुख कभी समझ ही नहीं पाते। उस शख्स ने खुद से जीने की कितनी कोशिश की होगी, पर उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तब उसने हार कर मौत को चुना होगा। कितनी सच बात है कि जो मरा है उसने जीकर भी तो दिखा होगा। खुदकुशी किसी बात का समाधान नहीं है। जीवन से लड़ना, उसकी हर चुनौती को फेस करना, जीवन से हारना नहीं, उससे निराश नहीं होना, ऐसी कितनी बातें हमारे जहन में पड़ी हुई हैं। जब भी किसी को कठिन समय में देखते हैं तो यही लगता है कि इसे हारने नहीं देना है। बावजूद इसके हम अक्सर जो भूलते हैं वो ये कि जो भी इंसान इस मौत के रास्ते को अपनाता है वो जरूर ये सोचता होगा कि अब जीना उसके लिए मरने से ज्यादा मुश्किल है। जैसे मेघा ने सोचा, वो जानती थी कि उसके पेट में जान और पल रही है,
वो चाहती तो उसके सहारे भी वो अपना जीवन बिता सकती थी, लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। अब केकी के सामने एक और लाश पड़ी है, रेड फ्लेम की पत्नी की लाश। केकी का दिल इस वक्त इतना उदास है कि उसके चेहरे पर किसी तरह के कोई भाव नहीं है। एक दिन पहले उसने भाई जैसे रेड फ्लेम को खोया और आज उसने उसकी फैमिली। जल्द ही मेघा का अंतिम संस्कार किया जाता है। मेघा का अंतिम संस्कार करने के बाद केके वहाँ उसके साथ खड़े सभी लोगों से कहता है, कुछ दिन बाद मैं एक अनाथ आश्रम ओपन करने वाला हूँ। उस अनाथ आश्रम का नाम सोम की बच्चे के नाम पर होगा। सभी ये बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यूसुफ जब ये सुनता है तो केके से कहता है, लेकिन रेड फ्लेम का बच्चा तो इस दुनिया में भी नहीं आया। केके भरे हुए गले से कहता है, दुनिया में आया भी नहीं और दुनिया से चला भी गया। रेड फ्लेम के जाने के बाद उसकी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं वो भी नहीं निभा पाया। सोम के बच्चे का नाम मैं रखूंगा, उसकी एक निशानी हमेशा दुनिया में रहेगी। केके वही शमशान घाट में बैठकर पूरा प्लान बनाता है। केके के मन की शांति भी इसी में है कि वो कैसे भी करके कुछ ऐसा करे जिससे उसके मन से रेड फ्लेम और उसकी फैमिली की मौत का भार थोड़ा कम हो जाए। ये सारी बातें हो जाने के बाद सभी का ध्यान पुनिका की तरफ जाता है जो अभी अस्पताल में है। जल्द ही सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। वहां अभिनव कॉरिडोर में बैठा हुआ है। केके अभिनव को देखते ही उससे पूछता है, पुनिका कैसी है? अभिनव थोड़ा परेशान होकर उससे कहता है, जब से वो आई है तब से उसके चेकअप ही चल रहे हैं, अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। केके अभिनव के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, हिम्मत रखो, सब सही होगा। उसके बाद केके प्रवीण और अपनी बाकी की मंडली के साथ थोड़ी दूरी पर हटकर बात करता है, जहां वो सभी एक कसम खाते हैं कि अब वो काली को इतना अच्छा सबक सिखाएंगी कि वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तभी डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर को देखते ही केके उनके पास जाता है और कुनिका के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहती है, अभी माँ और बच्चा एकदम सही है, बस कुनिका को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सोते वक्त खासकर, और उसे ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, बाकी सब सही है, आप लोग उसे मिल सकते हैं और एक दो दिन में वो यहाँ से डिस्चार्ज भी हो जाएगी। इधर जब डॉक्टर केके से ये बात कर रही होती है तभी आरती को उसके भाई आलोक का कॉल आता है। आरती कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से आलोक आरती से कहता है, कहाँ हो तुम, अभी तुरंत घर आओ। आरती आलोक से कहती है, मैं अभी अस्पताल में हूँ, मेरी एक दोस्त एडमिट है। आलोक कहता है, अच्छा तुम्हारी दोस्त अपने डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डैड के बारे में सुनते ही आरती कहती है, डैड क्या हुआ उन्हें? आलोक कहता है, तुम जितना जल्दी हो सके घर आओ। इतना कहकर आलोक कॉल कट कर देता है। आरती थोड़ी देर तक तो कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर उसके घर पर क्या हुआ है, लेकिन वो तुरंत स्वधा के पास जाती है और उससे कहती है, स्वधा मुझे निकलना है, घर पर कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद। स्वधा घबराते हुए कहती है, प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम, कुछ सीरियस है क्या? आरती स्वधा से बताती है, ये सब तो घर जाकर ही पता चलेगा, मैं कॉल करूंगी। यूसुफ आगे आकर आरती से पूछता है, कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? आरती यूसुफ से कहती है, नहीं तुम यहीं रुको, बाकी सभी को तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेले चली जाऊंगी। उसके बाद आरती हॉस्पिटल से चली जाती है। स्वधा और वैदेही दोनों कुनिका से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। कुनिका उन दोनों को देखते ही उनसे कहती है, मेघा कैसी है, तुम लोगों ने उसे अकेला क्यों छोड़ा? कुनिका को अभी मेघा के बारे में कुछ नहीं पता है। स्वधा और वैदेही दोनों कुनिका की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। स्वधा वैदेही की तरफ देखकर धीरे से कहती है, क्या हमें इसे सच बताना चाहिए? वैदेही स्वधा से कहती है, सच तो पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, सही यही होगा कि अभी बता दिया जाए। कुनिका जब स्वधा और वैदेही को कानाफूसी करते देखती है तो थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, बताओ ना तुम लोग ऐसे क्यों आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हो? स्वधा वैदेही को देखकर उसे कहती है, वैदेही आप बताओ, मुझमें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं है। स्वधा की बात सुनकर वैदेही कुनिका से कहती है,
देखो कोनिका, जब तुम अस्पताल के लिए वहाँ से निकली तो हम सब भी तुम्हारे पीछे पीछे निकल रहे थे। तभी आरती को थोड़ा अजीब लगा। जब हम वापस शमशान घाट लौटे तो मेघा नदी में कूद चुकी थी। उसे बाहर निकाला लेकिन कुछ ही देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये सुनते ही कोनिका एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि मेघा जैसी लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। कोनिका की दोस्ती मेघा से ज्यादा थी। मेघा ने कोनिका को कॉल करके खुद बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। कोनिका और मेघा ने प्रेगनेंसी और अपने अपने आने वाले बच्चे के बारे में घंटों तक बातें की थी। कोनिका ये सब सोचकर जोर जोर से रोने लगती है। स्वदा नहीं जानती थी कि कोनिका मेघा से इस तरह कनेक्टेड थी। स्वदा कोनिका को इस तरह टूटते देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर की तरफ भागती है। बाहर के यूसुफ और बाकी लोगों से कुछ बात कर रहा है। वो लोग कोई प्लान बना रहे हैं जिसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। स्वदा को घबराया हुआ देखकर केके उसकी तरफ देखता है। स्वदा आते ही केके से कहती है, कुलिका को जब से मेघा के बारे में पता चला है तब से बस वो रोई जा रही है। मैं और वैदेही दोनों मिलकर भी उसे नहीं संभाल पा रहे हैं। ये सुनते ही सभी लोग अंदर कुलिका से मिलने जाते हैं। केके को देखते ही कुलिका और ज्यादा रोने लगती है। करीब एक घंटे तक सभी मिलकर कुनिका को समझाते हैं। सभी लोग कुनिका से इस बात का वादा भी करते हैं कि वो लोग रेड फ्लेम और मेघा की मौत का बदला जरूर लेंगे। जब कुनिका थोड़ी नॉर्मल होती है तब अभिनव सभी की तरफ देखकर कहता है, आप लोग अब घर जाओ। दो दिन से किसी ने ढंग से आराम नहीं किया है। मैं कुनिका के पास रुकता हूँ। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। केके और स्वधा एक कार में बैठे हुए ब्लैकफुट विला की तरफ जा रहे हैं। स्वधा के दिमाग में कुछ बहुत तेजी से चल रहा है जिसे वो जाहिर नहीं कर रही। केके जब ये बात नोटिस करता है तो स्वधा से पूछता है, तुम कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, तुम्हें अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है। स्वधा केके की तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर उससे कहती है, पार्टनर बेशक लोग मेघा को कमजोर कहेंगे, ये भी कहेंगे कि उसने एक बार अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। तरह तरह की बातें लोग बोलेंगे, पर मेरी नजर में मेघा एक देवी जैसी है जिसने अपने प्यार को ही अपनी दुनिया बना ली। जब उसने वो दुनिया उजड़ते हुए देखी तो उसने खुद को भी खत्म कर दिया। मेघा की मौत उसकी मजबूरी नहीं उसकी ख्वाहिश थी। मैं भी आपके बिना एक पल यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। अगर आपको कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती। स्वधा ये कहते कहते रो पड़ती है। केके स्वधा को ऐसे रोते हुए देखकर कार रोड के साइड में लगाता है और स्वधा को कसकर गले से लगा लेता है। इस वक्त सिर्फ स्वधा ही नहीं बल्कि केके भी फूट फूट कर रो रहा है। शायद वो जगह ढूंढ ही रहा था जहाँ वो अपने मन को रोकर हल्का कर सके। स्वधा की बाहों में केके को वो जगह मिली जहाँ वो रो सकता है। बहुत देर तक स्वधा और केके एक दूसरे से चिपक कर रोते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब केके थोड़ा शांत होता है तो स्वधा केके से कहती है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अगर कभी नाराज भी हो जाऊँ तो मुझे मना लेना, बस खुद से दूर मत करना। स्वधा की बात सुनते ही केके हल्का सा मुस्कुरा पड़ता है। अब केके का दिल काफी हल्का महसूस कर रहा है। इतना रो लेने के बाद उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जल्द ही केके स्वधा के साथ ब्लैकफुट विला पहुंच जाता है। स्वधा आते ही रीता आंटी से कुनिका के लिए कुछ हल्का सा नाश्ता बनाने को कहती है। फिर वो नहाने के लिए चली जाती है। इधर केके भले ही सबको नॉर्मल दिख रहा हो लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त बस काली से बदला लेने का प्लान चल रहा है। केके अपने स्टडी रूम में जाता है। इस वक्त केके एकदम अलग नजर आ रहा है। वो सबसे पहले मोनिका को कॉल करता है। मोनिका के कॉल रिसीव करते ही केके उसे कहता है, कल जितने भी लोग वहां से बचकर निकल गए उन्हें ढूंढकर सभी को उनके ठिकाने पर लगा दो। मोनिका केके का ऑर्डर मिलते ही उससे कहती है, जी बॉस मैं भी निकल रही हूँ। तभी केके को न जाने क्या होता है, वो मोनिका को रोकते हुए कहता है, मोनिका संभल कर जाना, वो लोग काफी खतरनाक लोग हैं। तुम अपने रहने की जगह भी बदल दो, या तो यहाँ आकर रहो या फिर अपने सीक्रेट प्लेस पर।
मोनिका केके की बात सुनकर समझ जाती है कि रेड फ्लेम की मौत की वजह से केके कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर गया है। उसे अपनी मौत का डर नहीं है, उसे डर है कि कहीं वो अपनी वजह से कुछ और अपनों को न खो दे। मोनिका केके से कहती है, बॉस आप चिंता ना करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी और आपका काम भी हो जाएगा। मोनिका से बात करने के बाद केके लैपटॉप उठाता है और हरीश को वीडियो कॉल करता है। हरीश केके की शक्ल देखकर समझ जाता है कि केके इस वक्त बहुत उलझन में है। दरअसल बात यह है कि इससे पहले एक बार ठीक ऐसी ही घटना घट चुकी है जिसके बारे में केके और उसके साथ के कुछ करीबी लोग ही जानते हैं। केके उस वक्त इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था, उसने अपने काम की बस शुरुआत ही की थी, तब वो किसी और के लिए काम करता था। केके को उसके बॉस ने एक मिशन पर भेजा था जहाँ पर केके के साथ उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। केके हमेशा से जिद्दी था, उसके सपने बड़े थे, वो बहुत कम लोगों से बात करता था। वहीं उसका दोस्त बहुत ही चुलबुल था, उसकी बातों में मस्ती थी, वो मस्त मौला टाइप का आदमी था। जब उन दोनों को उस मिशन को पूरा करने का काम मिला तो केके ने उस दोस्त से कहा, आज अगर हमें कुछ होता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरी बहन की शादी कराओगी और उसकी लाइफ अच्छी हो सके इसका ख्याल रखोगी। केके उसकी हर बात को मजाक में लेता था। केके ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया, पर उस मिशन पर यही हुआ। केके के उस दोस्त ने केके को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब केके ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे जिंदा रहने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या स्पर्धा केके के इस डर को समझ पाएगी? केके और काली की इस जंग में अब अगला दांव कौन खेलेगा? क्या केके के और भी दुश्मन काली का साथ देंगे? प्रवीण और बाकी लोगों के साथ मिलकर केके ने क्या प्लान बनाया है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहर या प्यारी की कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हरीश समझ गया कि केके अपने बीते हुए पास्ट में चला गया है। केके हरीश से कहता है, मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। रेड फ्लेम ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरीश केके से कहता है, मैं जानता हूँ हम सब उसकी मौत का बदला लेंगे, बस तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है। थोड़ी देर तक केके हरीश से बात करता है, फिर वो नहा कर स्पर्धा के पास जाकर सो जाता है। अगली सुबह केके जब उठता है तो वो अपने सामने खड़ी हुई स्पर्धा को मुस्कुराते हुए देख रहा है। स्पर्धा हंसकर केके को देखती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, जल्दी से उठिए और मेरे लिए खूब सारा खाना बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। केके ये सुनता है तो मुस्कुरा पड़ता है। फिर वो स्पर्धा से रीता आंटी के बारे में पूछता है। स्पर्धा केके को बताती है कि वो कुनिका का खाना लेकर हॉस्पिटल गई हुई है। स्पर्धा की जिद है कि केके आज उसके लिए कुकिंग करे। स्पर्धा ये जानबूझकर कर रही है ताकि केके का मूड ठीक हो सके। केके ने प्यार से कहा, हाँ मेरी बीबी, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम सुपर मार्केट जा रहे हैं, सामान लाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। केके और स्पर्धा जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और सुपर मार्केट जाने के लिए निकल जाते हैं। जल्दी जल्दी वो दोनों शॉपिंग करते हैं और फिर सारा सामान लेकर केके कैशियर काउंट पर जाता है। पे करने के बाद केके और स्पर्धा सुपर मार्केट से निकल कर पार्किंग में गए। उन्होंने सामान को गाड़ी में डाला। जैसे ही केके ने गाड़ी से सामान रखकर दरवाजा बंद किया, उसने आसपास स्पर्धा को नहीं देखा। तभी स्पर्धा पास में खड़ी दिखाई पड़ी। केके ने उसे देखकर कहा, स्पर्धा। केके अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, उसके पहले ही स्पर्धा ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। स्पर्धा ने हाथ के इशारे से केके को अपने पास बुलाया। केके धीरे धीरे स्पर्धा के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, अब क्या शरारत तुम्हारे दिमाग में चल रही है? स्पर्धा ने धीरे से कहा, पार्टनर देखो वो लड़की क्या कर रही है। केके ने देखा आयरा और एक मास्क पहने हुए आदमी खड़ा हुआ है। उस नकाब पहने हुए व्यक्ति के पीछे का चेहरा नहीं दिख पा रहा है। केके और स्पर्धा एक पिलर के पीछे छिप गए और उन दोनों की बात सुनने की कोशिश करने लगे। यही है वो शर्त जिसका तुमने वादा किया था, उस आदमी ने कहा। मिसेज आयरा, आप अब हमसे कुछ और करने के लिए मत कहिए, मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
आयरा ने कहा, मेरी अब ये लास्ट रिक्वेस्ट मान लो, अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो मैं कुछ और भी करने को तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा, मैडम आपके कहने पर हम पहले ही ब्रिजेश कामरा की कंपनी को डिस्ट्रॉय करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, अब आप और क्या करवाना चाहती हैं? आयरा उस आदमी के कान में कुछ कहती है। वो आदमी कहता है, ठीक है, मेरे बॉस ने कहा है कि ब्रिजेश कामरा और उसकी कंपनी को बर्बाद करने में आपकी मदद करनी है, लेकिन आपको जो काम बॉस ने सौंपा है वो समय पर करना पड़ेगा, वरना बॉस आपका क्या हाल करेंगे ये आप बेहतर जानती हैं। आयरा ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, वैसे अभय तुम लोगों के लिए मुझसे ज्यादा काम का आदमी है। इतना कहकर आयरा मुस्कुराई और उसने अपना चश्मा पहना और वहां से निकल गई। उस आदमी ने आयरा को जाते हुए देखा, उसके बाद मुड़कर उसने चारों तरफ देखा। केके और श्वधा तुरंत पिलर के पीछे छिप गए। उस आदमी के वहां से निकल जाने के बाद केके और श्वधा पिलर के पीछे से बाहर आते हैं। उसके बाद केके श्वधा का हाथ पकड़कर उससे कहता है, चलो जल्दी। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं। श्वधा कार में बैठी केके से कुछ पूछना चाहती है, पर वो बोल नहीं पा रही। उसे लग रहा है पता नहीं ये बात उसे पूछनी चाहिए भी या नहीं। केके श्वधा की ओर देखता है और उसके चेहरे से समझ जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ कहना है? केके के पूछते ही श्वधा कहती है, वो आयरा आपके डैड और उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रही है, क्या आपको ये बुरा नहीं लग रहा? केके कहता है, ये उनका मामला है, वो निपटे, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, चाहे उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए या फायदा। श्वधा ने उत्सुकता के साथ पूछा, लेकिन पार्टनर वो आयरा उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है और वो मास्क लगाया हुआ आदमी कौन है? केके ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। श्वधा ने केके की तरफ देखा, वो सचमुच केके से इस बारे में नहीं पूछना चाहती थी, इसलिए उसने आगे इस बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि वो मन ही मन इन सब बारे में सोचती रहती है। कुछ ही देर में वो दोनों घर पहुंच गए। केके ने भारी सामान, सब्जियां, घर के सामान सब कुछ खुद ही उठाया। श्वधा हेल्प कराना चाह रही है, लेकिन केके ने मना कर दिया। उसने कहा, जाओ और जाकर टीवी देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। श्वधा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने काम में जुट गए। श्वधा सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी और केके खाना बनाने लग गया। हालांकि श्वधा के दिमाग में अभी भी पार्किंग में हुई घटना चल रही है। श्वधा ने मुड़कर किचन की ओर देखा, जहाँ केके अपना काम कर रहा है। वो जानती है कि केके अब इस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता, पर जो भी हो वो केके के फादर हैं। अभी रास्ते में उसने केके पर वो ब्रिजेश कामरा के मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहता। श्वधा ने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस बारे में ब्रिजेश कामरा को बताना चाहिए, हालांकि वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं, पर जो भी हो आखिर वो है तो मेरे ससुर ही, मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा ताकि इनके बीच ये नफरत खत्म हो जाए, और मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ, बस इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्वधा कुछ देर तक बैठी सोचती रही, फिर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो किचन की तरफ चली गई। श्वधा किचन के दरवाजे पर पहुंची और झुक कर केके की ओर देखा। उसने अपने दिल में सोचा, काश केके और ब्रिजेश कामरा अपने अतीत की लड़ाई को खत्म कर सकते, अगर ऐसा हो जाए तो जरूर केके अपने डैड की हेल्प करेगा। केके को श्वधा की आहट महसूस हुई तो उसने पूछा, तुम दरवाजे पर खड़े होकर मुझे क्यों घूर रही हो? श्वधा ने केके के पास जाकर कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। श्वधा पास जाकर देखने लगी कि केके कैसे प्याज को तेजी से काट रहा है, जैसे कोई एक्सपर्ट काटता हो। उसने सभी सब्जियों को बहुत अच्छे ढंग से काटा है। केके खाना बनाते वक्त बहुत सीरियस रहता है, कोई भी उसे देखकर कह सकता है कि ये बावर्ची तो बहुत स्मार्ट है। हालांकि श्वधा ने केके की स्मार्टनेस देखकर उसे पसंद नहीं किया था। उसे तो केके का ख्याल रखना, उसकी हर मुसीबत में हेल्प करना, ये सब बहुत पसंद आया। उसकी नजर केके की स्मार्टनेस पर कैसे जाती, वो तो मास्क पहनता था। श्वधा किचन में खड़ी यही सब सोच रही है। केके ने मुस्कुराते हुए कहा,
इडियट, अगर कुछ और नहीं है तो जाकर लिविंग रूम में बैठो, वहीं चुपचाप बैठकर अपने हस्बैंड का तुम्हारे लिए खाना बनाने का वेट करो। स्वरा कुछ कहने वाली है लेकिन वो बोलते हुए रुक गई। उसने कुछ कहा नहीं और वो किचन से बाहर निकल गई। स्वरा के बाहर निकल जाने के बाद केके ने खाना बनाना शुरू कर दिया। स्वरा कुछ एक घंटे से लिविंग रूम में बैठी केके का इंतजार कर रही है। उसे बहुत जोर की भूख लगी है। इतनी देर में केके ने खाना बनाकर उसे डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। स्वरा जल्दी से हाथ मुंह धोकर चेयर पर खाने के लिए बैठ गई। केके ने मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, वेजिटेबल सूप, पनीर टिक्का, गाजर का हलवा, खीरे का रायता, ब्रोकली की करी, रोटी, सलाद, कोकोनट मिल्क, राइस और धनिया टमाटर की चटनी खुद अपने हाथों से बनाया है। स्वरा ने जरा भी देरी नहीं दिखाई और तुरंत उसने अपनी प्लेट में एक एक करके सारी डिशेस को लेकर खाना शुरू कर दिया। स्वरा बिना कुछ बोले लगातार बस खाए जा रही है। केके स्वरा से बड़े प्यार से पूछता है, क्या ये डिशेस टेस्टी बनी है? स्वरा का पूरा मुंह भरा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, सिर्फ सिर हिला रही है, जिससे ये पता चलता है कि खाना बहुत टेस्टी बना है। केके ने चिढ़ते हुए कहा, कोई तुमसे खाना छीनकर ले जाने नहीं वाला है, सिर्फ हम दोनों ही हैं और खाना बहुत है तो आराम से खा सकती हो तुम। केके ने ज्यादा नहीं खाया, उसने सिर्फ सूप पिया और दाल मखनी और एक रोटी खाई। पर स्पर्धा लगातार खाए जा रही है जैसे कई दिनों की भूखी हो। केके स्पर्धा को इस तरह खाते हुए देखकर थोड़ा टेंशन में आ गया। उसने पूछा, स्पर्धा तुम ठीक तो हो ना? स्पर्धा ने अपना आखिरी निवाला खाया और अपनी उंगलियों को चाटते हुए कहा, बस अब मेरा पेट भर गया। पार्टनर, आपने जो खाना बनाया है वो बहुत टेस्टी बना है, इसे मैं कल सुबह फिर खाऊंगी। केके ने हैरानी के साथ पूछा, क्यों, अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? स्पर्धा ने कहा, नहीं पेट तो भर गया पर मन अभी तक नहीं भरा। आपने खाना ही इतना टेस्टी बनाया है कि दिल करता है बस खाते रहो, पर प्रॉब्लम ये है कि पेट में अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। केके ने कहा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि अगर मैडम को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया तो मैं एक अच्छा बावर्ची हूँ। स्पर्धा ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे आपके हाथ का टेस्ट बहुत पसंद आया। केके चेयर से उठते हुए कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं जाकर बर्तन धुल लेता हूँ। स्वधा ने प्यार से कहा, ठीक है, आज मेरे पार्टनर ने बहुत मेहनत की है तो उन्हें मैं बाद में एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगी इसके बदले। ये सुनकर केके जोर से हंसा। उसने मेज पर से बचा हुआ खाना बर्तनों में पलटा और खाली बर्तन को किचन में ले जाकर साफ करने के लिए चला गया। स्वधा सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। थोड़ी ही देर में स्वधा को ये एहसास होने लगा कि आज उसने बहुत खा लिया है। जब केके बर्तन साफ करके वापस आया तो उसने देखा स्वधा अपना पेट पर हाथ फेर रही है। केके को तुरंत समझ आ गया कि मामला क्या है। उसने स्वधा से पूछा, क्या हुआ, ज्यादा खा लिया क्या? स्वधा ने प्यार से कहा, हाँ बहुत ज्यादा। केके ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाहर वॉक पर ले चलता हूँ। स्पर्धा ने खड़े होते हुए कहा, हाँ चलिए। फिर केके ने स्पर्धा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर सड़क पर टहलने के लिए ले गया। ये एरिया केके का पर्सनल एरिया है तो यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं है। केके ने वॉक करते हुए कहा, तुम इतना ज्यादा मत खाया करो, मुझे तुम्हारी हालत देखकर फिक्र होने लगती है। स्पर्धा ने कहा, हाँ अगली बार से इतना नहीं खाऊंगी। केके ने कहा, वैसे भी मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, जब कहोगी तब तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा। स्वधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करते हैं। केके ने स्वधा की बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगा। वो हाथों में हाथ डाली चांदनी रात में टहल रहे हैं। अचानक से स्वधा के दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो केके की तरफ देखने लगी। केके को कुछ समझ में नहीं आया कि स्वधा के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने स्वधा की नाक को पकड़ते हुए कहा, ज्यादा सोचो मत, चलो और अब घर चलकर आराम करते हैं। स्वधा ने पैर पटकते हुए कहा, पार्टनर क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? केके ने ही सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। दरअसल वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, वो पिछले कुछ दिनों से ढंग से आराम नहीं कर पा रहा है। स्वधा केके का चेहरा देखते ही समझ गई कि उसे बहुत थकावट महसूस हो रही है। उसे इसके पीछे का कारण भी पता है।
बेशक ब्रजेश कमरा और केके एक दूसरे के लिए आग और पानी जैसे हैं, एक दूसरे को फूटी आग नहीं सुहाते, फिर भी उनके बीच का रिश्ता एक बाप बेटे का है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ब्रजेश कमरा को कोई लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या केके इन बातों को लेकर परेशान है? क्या केके सच में ब्रजेश कमरा की मदद नहीं करेगा? आयरा की सच्चाई जानने के बाद स्पदा का अगला कदम क्या होगा? आयरा किस आदमी से बात कर रही थी और वो ब्रजेश को क्यों बर्बाद करना चाहती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहरिया प्यारी की कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। स्पदा केके से किस बारे में बात करना चाहती है? वो क्या है जो स्पदा को रह रहकर परेशान कर रहा है? ये सब कुछ केके जानता है। आज दिन से शाम होने को आई है, लेकिन स्पदा का दिमाग पूरी तरह से एक ही जगह टिका हुआ है। वैसे तो केके खाने में दो डिशेस भी बनाता तो बहुत था, लेकिन उसने जानबूझकर इतना सारा खाना बनाया ताकि स्पदा उससे वो सारी बातें ना कर सके जिन्हें वो नहीं करना चाहता। केके के लिए खुद ये बहुत मुश्किल है कि वो ये बात जानता है कि कोई है जो उसके फादर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये बात वो खुद जानता भी है, तब भी वो अपने पिता की मदद नहीं करेगा। ये बात कहीं ना कहीं केके को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो इस टॉपिक को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहता है। स्पर्धा की शक्ल देखकर केके को लगा कि उसे अब इस टॉपिक पर खुलकर बात करनी ही होगी, तभी स्पर्धा भी उस बात को अपने दिमाग से निकाल पाएगी। केके ने गहरी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, और इस बार चाहे तो मुझे कितनी भी समझाने की कोशिश करो, मैं उस इंसान की मदद नहीं करूंगा। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, कोई भी बहाना मारकर मुझे चैलेंज देने की कोशिश मत करो, ठीक है? स्पदा ने अपना सिर उठाया और केके की ओर देखा। केके के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस हैं। स्पदा जानती है कि केके को इस बात के लिए मनाना कि वो ब्रजेश कमरा की मदद करे ये उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन स्पदा भी जिद्दी लड़की है, वो बिना ट्राई किए कैसे हार मान सकती है। इसलिए स्पदा ने थोड़ा हिचकते हुए इस बात की शुरुआत कुछ इस तरह से की। स्पदा ने कहा, क्या आप आयरा को इस तरह से अपने डैड पर पीठ पीछे हमला करने देंगे? वो आपके डैड के विश्वास का गलत फायदा उठा रही है, और आप ये जानते हैं, तब भी आप इस बारे में कुछ नहीं करेंगे? जब सारा सच आप जानते हैं तो उसके बावजूद आप उनकी मदद नहीं करेंगे? अगर आज केके और स्पदा सुपर मार्केट नहीं गए होते और उन्होंने ये नहीं सुना होता कि आयरा ने उस मास्क पहने हुए आदमी से क्या कहा, तो बात अलग होती। तब तो शायद ये भी मुमकिन था कि आयरा ब्रजेश कमरा को नुकसान पहुंचाती और ये खबर केके या और किसी को कानो कान तक न लगती, लेकिन इस बार तो बात थोड़ी अलग है। आयरा की सच्चाई केके और स्पदा ने खुद अपनी आंखों से देखी है और अपने कानों से सुनी भी है। इसके बावजूद अगर केके या स्पदा इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। यही वजह है जो स्पदा चाहती है कि केके अपने डैड की मदद करे, क्योंकि उसे मालूम है कि ब्रजेश कमरा अपने ही घर में सांप को दूध पिला रहा है। केके ने स्पदा के कंधे पर अपने हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्रजेश कमरा पहले से ही मेरे लिए अजनबी है। जब मैं छोटा था तब भी वो ऐसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। वो मेरे कोई नहीं लगते, तो मैं उनकी मदद करने के बारे में क्यों सोचूं? केके ये बात सुनते ही स्पदा ने केके का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि आप उसे माफ नहीं करेंगे, लेकिन मुझे वास्तव में इस पर बात करना पसंद नहीं है कि उसने आपके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन आज पता नहीं क्यों, जब मैंने आयरा को किसी और के साथ बात करते सुना तो मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, भले ही उनसे हमारा कोई रिश्ता ना हो, लेकिन इंसानियत का तो है ना। केके ने स्पदा की बातों को बहुत शांति से सुना। वो जानता है कि स्पदा केके की मदद करने के लिए हमेशा उसके साथ है। केके ये भी जानता है कि स्पदा ब्रजेश कमरा की मदद भी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो केके के फादर हैं। इसकी एक और वजह ये है कि हाल ही में स्पदा ने उस इंसान को खोया है जिसे वो अपना पिता मानती थी। उसे मालूम है कि जिंदगी भर नफरत कर लेने के बाद भी
अंत में उसने प्रभंजन राठौर को माफ कर दिया, जबकि वो तो स्वधा के रियल फादर भी नहीं थे। उसके बावजूद उसके जाने की बहुत तकलीफ हुई स्वधा को। ब्रिजेश कामरा तो केके के रियल फादर है, फिर कैसे केके पूरा सच जानते हुए भी इस बात को इग्नोर कर सकता है। केके स्वधा के अंदर की फीलिंग को अच्छे से समझ रहा है। केके मन ही मन सोचता है, अगर मैं तुम्हारे खातिर ही सही ब्रिजेश कामरा की मदद करता हूँ तो भी मुझे उसके पहले किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, वो है मेरी माँ। अगर उन्हें मालूम पड़ा कि मैंने ब्रिजेश कामरा की मदद की है तो पक्का वो मुझे बहुत सुनाएगी। भले ही केके स्वधा की बात को मानना चाह रहा हो, केके स्वधा को समझ रहा हो कि वो क्या चाहती है, लेकिन एक बात जो वो अच्छे से जानता है वो ये है कि इस बात के लिए उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। ये सब सोच समझकर केके ने गहरी आवाज में कहा, स्वधा बेबी, आप तो उनकी मदद करने के लिए रेडी हैं, लेकिन इस बारे में आपको सबसे पहले माँ से बात करनी होगी। केके ने बचपन से ही ललिता की ब्रिजेश कामरा के लिए नफरत देखी है। बस इसी के लिए केके स्वधा से कहता है कि मैं माँ की हाँ के बिना कोई कदम नहीं ले सकता। केके ने ये बात इसलिए भी कही क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हो सकता है माँ का नाम सुनकर स्वधा अपनी इज्जत छोड़ दे। स्वधा ने जब ये सुना तो उसने धीमी आवाज में कहा, माँ। केके ने सीरियस आवाज में कहा, अरे मॉम हमेशा से ब्रिजेश कामरा से नफरत करती आई है, क्या तुम चाहती हो मैं ऐसे पिता की मदद करूं जिससे मुझे मेरी मॉम और मेरी बहन को कभी भी कोई खुशी नहीं दी, हमेशा तकलीफ में ही रखा है। जब स्वधा ने केके की बात सुनी तो वो कुछ कह नहीं सकी। स्वधा अपने मन में सोचती है, ये सही है कि केके की माँ उसके पिता से नफरत करती आई है, ये बात जानते हुए भी केके मेरे कहने पर उनकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन स्वधा सोचती है कि ऐसा ना हो कि उनकी मदद के चक्कर में केके और उनकी माँ का रिश्ता खराब हो जाए और उसका इफेक्ट कहीं उनके रिश्ते पर ना पड़ जाए। ये सब सोचने के बाद स्वधा ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सॉरी मैंने इस बारे में नहीं सोचा। स्वधा का उदास चेहरा देखकर केके ने आगे बढ़कर स्वधा को अपनी बाहों में पकड़ लिया और बहुत प्यार से उससे कहा, अरे पागल तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। स्वधा ने आगे बढ़कर केके की कमर के चारों तरफ अपनी बाहें लपेटी और केके के सीने पर अपना सर रखते हुए केके से कहा, पार्टनर क्या कोई और रास्ता नहीं है। केके ने स्वधा के शब्द सुने और उसकी बड़ी आंखों की ओर देखा तो अचानक से उसके मन में एक सवाल आया। केके ने गहरी आवाज में पूछा, तुम अचानक उसकी मदद क्यों करना चाहती हो, क्या तुम उससे अब उतनी नफरत नहीं करती जितनी पहले करती थी। स्वधा ने केके की बात को सुना और अपना सिर खुजा लिया। स्वधा की रिएक्शन कुछ ऐसे है जैसे वो इस बात के लिए श्योर नहीं है कि वो ब्रिजेश कामरा के लिए क्या फील करती है। हालांकि ब्रिजेश ने स्वधा को हमेशा नीचा ही दिखाया है, उसके बाद भी स्वधा चाहती है कि केके उसकी मदद करे। केके के सवाल का जवाब स्वधा ने कुछ ये कहते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस ये जानती हूँ कि कोई उन्हें बर्बाद करना चाहता है और हम ये बात जानते हैं। स्वधा की बात सुनकर केके ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है मैं जैसा सही समझूंगा वैसा करूंगा, तुमको इसके बारे में ज्यादा सोचने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब केके ने बात कही तो अचानक स्वधा ने केके से पूछा, सच में। केके ने उसकी आवाज सुनी और स्वधा की नाक को दबा दिया और बहुत प्यार से स्वधा से कहा, तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। स्वधा ने जल्दी से कहा, नहीं 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 मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। केके ने जब देखा कि अब स्वधा थोड़ी नॉर्मल हो गई है तो उसने आगे बढ़कर स्वधा के माथे को चूम लिया और थोड़े शरारती अंदाज में कहा, अगर ऐसा है तो क्या आज रात मेरी खूबसूरत सी पत्नी अपने हैंडसम हबी को अच्छा नाम देना चाहेगी। जब स्वधा ने केके की बात सुनी तो उसने शर्माते हुए अपनी बाहें फैला दी और कहा, मैं आपके साथ बीता हर एक पल जीना चाहती हूँ, इस रात को इतना इम्पोर्टेंट बना दी कि हम इस रात को कभी ना भूल पाए। ये सुनते ही केके ने किसी और चीज की परवाह नहीं की और सीधे स्वधा को गोद में उठाया और धीमे कदमों से अपने कमरे में लेकर चला गया।
आज की रात तो नींद हराम करने वाली रात हो गई, ये बात तो तय है। कमरे के अंदर जाते ही केके ने लाइट ऑफ करी और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे में खो गए। देर रात बाद केके ने एक हाथ से अपने सिर को सहारा दिया और सो रही स्पर्धा की ओर देखा, लेकिन केके को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। उसे केवल ये महसूस हुआ कि उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं। उसके बाद केके चुपचाप बिस्तर से उतर गया और स्पर्धा को कंबल से अच्छी तरह ढक दिया, जिससे वो आराम से सोती रही। वो चुपचाप कमरे के बाहर चला गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद केके वाइन कैबिनेट के पास गया और वहां से शराब की एक बोतल निकाली। फिर वो लिविंग रूम में बैठा और शराब पीनी शुरू की। इस वक्त केके वहीं बैठकर कुछ सोच रहा है। शराब के पांचवे पैक के बाद केके ने अपना फोन निकाला और अभिनव को उसने एक मैसेज लिखा और फोन सोफे पर फेंक दिया। उसने फिर से ग्लास में शराब डाली और एक ही घूंट में पी गया। ड्रिंक करने के बाद केके खड़ा हुआ और ऊपर बेडरूम में चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि स्पर्धा अभी भी गहरी नींद में सो रही है। केके ने बहुत ही आराम से कंबल उठाया और चुपचाप लेट गया। केके इस वक्त बहुत नशे में है। उसने बड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, स्पर्धा मैं तुम्हें कभी किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे अपनी लाइफ में उस इंसान की मदद करने को कह रही हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। केके ने जैसे ये कहा वैसे इस स्पर्धा ने अंगड़ाई लेते हुए करवट बदल ली। ऐसा लगा कि स्पर्धा ने केके की आवाज सुनी हो। स्पर्धा धीरे से केके की बाहों से लिपट गई और फिर केके की बाहों में सोती रही। केके ने स्पर्धा की ओर देखा और मन मन मुस्कुराया। फिर उसने स्पर्धा को और कस के गले लगाया और सो गया। अगले दिन, आज मौसम भी बहुत खराब है। आज काफी तेज बारिश हो रही है। रात को ही काले बादल छा गए थे और रात भर बिजली कड़कती रही। बादलों की गड़गड़ाहट ने अगली सुबह का नजारा रात में ही बता दिया था। इस वक्त आसमान में बिजली और हवा एक साथ अपने रौब जमाए हुए हैं। हवा तो इस तरह से चल रही है जैसे उसका इरादा सब कुछ उड़ा देने का हो। सड़कों पर चल रहे लोग अब एक कोने में जाकर खड़े होकर आसमान को ऐसे ताक रहे हैं जैसे कह रहे हों कि ये बिन बुलाए मेहमान कहाँ से आ गए। बिन मौसम बरसात का कुछ यही हाल है। बारिश की बूंदें ऐसे जमीन पर पड़ रही हैं जैसे वो कुछ ढूंढ रही हों। धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि वो किसी बड़े झरने जैसी नजर आने लगी। केके अपनी कार में बैठा बाहर का नजारा देख रहा है, तभी केके को मोनिका का कॉल आता है। मोनिका कॉल पर केके से बताती है कि उसने वो मामला सुलझा दिया है जिसके बारे में केके ने हॉस्पिटल में उसे ऑर्डर दिए थे। मोनिका से बात होने के बाद केके ने धीमे से गाड़ी आगे बढ़ाई। केके मोनिका के कॉल के बारे में ही सोच रहा है, शायद कोई दांव है जिसे केके ने खेला है। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो ये नहीं पता कि इस बार कैसा तूफान उठेगा। इधर ब्लैकवुड विला में ललिता का गुस्सा अपने चरम पर है। दरअसल आज केके बहुत जल्दी उठ गया था। जागने के बाद उसने नाश्ता नहीं किया और सीधा कंपनी चला गया। क्या केके ब्रिजेश कामरा के मामले को ऐसे ही जाने देगा? ललिता को जब आयरा के बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेगी? क्या स्पर्धा की वजह से ब्रिजेश कामरा और केके के बीच का रिश्ता ठीक हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहर या प्यारी की कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ललिता तेज आवाज में सभी नौकरों को डांट लगा रही है। उनका गुस्सा इतना भयानक है कि जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। स्पर्धा भी कोने में खड़ी ललिता को देख रही है। स्पर्धा को ललिता का गुस्सा देखकर बहुत डर लग रहा है। अचानक से ललिता ऊपर कमरे में जाती है और स्पर्धा का सारा सामान निकाल कर लाती है और जमीन पर फेंक देती है। स्पर्धा ललिता का ये रूप देखकर हैरान है। स्पर्धा तेज तेज से रोने लगती है। तभी रीता आंटी स्पर्धा के कमरे में आती है। वो स्पर्धा को नींद में बड़बड़ाते हुए देखती है तो स्पर्धा को आवाज लगाती है। रीता आंटी की आवाज सुनकर स्पर्धा की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाती है। रीता आंटी स्पर्धा को थोड़ा घबराया हुआ देखकर उससे कहती है, क्या हुआ स्पर्धा बीबी, कोई बुरा सपना देखा क्या?
पदा रीता आंटी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हाँ थोड़ा सा बुरा ही था। रीता आंटी स्पदा को बताती है कि केके ऑफिस चला गया है और उसने नाश्ता भी नहीं किया। स्पदा जब ये सुनती है तो वो हंस पड़ती है। स्पदा के सपने में भी यही हुआ था, बस उसमें फर्क इतना था कि ललिता ने पूरा घर सर पर उठाया हुआ था। स्पदा रीता आंटी से नाश्ता बनाने को कहती है और केके को कॉल करती है। इधर केके मोनिका से हुई बातचीत के बारे में सोच रहा होता है कि तभी फिर से केके का मोबाइल रिंग करता है। नंबर देखते ही केके मुस्कुरा पड़ता है। इस बार केके की नजरों में प्यार है। केके कॉल रिसीव करते ही कहता है, गुड मॉर्निंग बीबी। स्पदा थोड़ा नाराज होते हुए कहती है, आप बिना बताए ऑफिस चले गए। केके कहता है, बीबी इम्पोर्टेंट काम था। स्पदा नखरे करते हुए कहती है, मुझसे भी इम्पोर्टेंट। केके कहता है, नहीं बीबी आप बातें मत बनाओ, उठो और जाकर नाश्ता करो। स्पदा कहती है, ठीक है आराम से जाना और बारिश में थोड़ा गाड़ी आराम से चलाना। स्पदा की केयर भरी बातें सुनकर केके का मन गदगद हो जाता है। वो कहता है, हाँ मैं अपना ख्याल रखूंगा, तुम अपना ख्याल रखो, आज कुनिका भी आ रही है हॉस्पिटल से। स्पदा कुनिका के वापस आने की बात सुनकर खुश हो जाती है। साथ ही उसका मन करता है कि वो केके से अपने सुबह वाले सपने के बारे में बताए। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर उसने ऐसा किया तो केके को लगेगा कि रात भर वो ब्रिजेश और ललिता के बारे में ही सोचती रही। इसीलिए स्पदा ने आगे कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बात करने के बाद स्पदा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और केके अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट बाद केके अपनी कंपनी पहुंच गया है। वो कार के दरवाजे से बाहर निकलकर कंपनी के मेन गेट से अंदर आया। केके आज वीआईपी दरवाजे से अंदर नहीं गया। कुछ दिन पहले हुई घटना का असर अब भी उसके दिमाग में है। जब कंपनी के लोगों ने केके को अंदर आते देखा तो कंपनी के एम्प्लॉयज ने खड़े होकर काफी रिस्पेक्ट से कहा, गुड मॉर्निंग सर। केके ने जवाब में बस सिर हिलाया और जल्दी से अपने केबिन में दाखिल हुआ। केके बस अपने केबिन में पहुंचा ही था कि तभी किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया। आवाज सुनकर केके ने धीमे आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। अंदर जो शख्स दाखिल हुआ वो कोई और नहीं बल्कि मोनिका है। अंदर आते ही उसने बहुत सीरियस आवाज में केके से कहा, सर सब तैयार है। ये कहते हुए मोनिका ने एक बड़ी सी फाइल केके के सामने रख दी। केके ने उस फाइल के कुछ पन्नों को उलट पलट कर पढ़ा, फिर उसने मोनिका से कहा, मैं समझ गया, अब स्काइकिंग कंपनी को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, उन्हें हर इस तरह से इतना परेशान करो कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत ना मिले। केके की बात सुनकर मोनिका ने कहा, हाँ मैं अभी जाकर तैयारी करती हूँ। और इतना कहकर मोनिका केबिन से बाहर चली गई। मोनिका के बाहर जाने के बाद केके ने अपना लैपटॉप ऑन किया। उसके ऑन होते ही केके को एक वीडियो कॉल आया। केके ने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ कॉल पर असली अनुराग है। जैसे ही उसे स्क्रीन पर केके दिखा वो खुशी से चिल्लाया, हेलो सर। केके ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सब सही। अनुराग ने सीरियस आवाज में कहा, मैंने यहाँ लगभग सारे मामले सुलझा लिए हैं। आपने जो टाइम पीरियड दिया था उसमें अभी भी 2 दिन बाकी है। कल ही आपका मेल पढ़ा कि एक काम मुझे वापस आकर करना है, इसीलिए आपको कॉल किया। अगर अब कोई काम नहीं है तो जो ये 2 दिन बचे हैं, क्या मैं ये अपने लिए ले सकता हूँ? दरअसल जब केके ने असली अनुराग को फ्रांस भेजा तो उसे ये खबर मिली थी कि काली भी फ्रांस में ही है। पर असली अनुराग के निकलते ही केके को पता चला कि काली तो इंडिया में ही है, इसलिए अब असली अनुराग के पास और कोई काम नहीं है। असली अनुराग की बात सुनकर केके ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है ये 2 दिन तुम्हारे हैं, तुम्हारी जो मर्जी वो करो। ये सुनकर अनुराग ने गहरी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच सर। फिर थोड़ा हिचकते हुए अनुराग ने आगे कहा, सर क्या हाल ही में कुछ और हुआ है? ये सुनते ही केके ने कहा, हाँ कुछ तो हुआ ही है। जो इंसान तुम्हारी असली पहचान लेकर यहाँ घूम रहा है वो जरूरत से ज्यादा बेईमान है। केके की बात सुनकर असली अनुराग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने केके से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप उसे अच्छा सबक सिखाएंगे, उसे उसके किए की सजा जरूर देंगे। असली अनुराग का गुस्सा होना तो एकदम जायज है,
काली ने उससे उसकी शक्ल ही नहीं छीनी बल्कि उसकी फैमिली उसकी लाइफ छीन ली है। चूंकि असली अनुराग केके की बहुत रिस्पेक्ट करता है इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। केके ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हम अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ते। उसके बाद असली अनुराग ने कहा, सर एक और बात, इन दो दिनों में मैं कुछ और काम निपटा लेना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ कुछ लोग हैं जो बेवकूफ हैं। उन्हें लगता है कि उनकी घटिया चाली हमें समझ नहीं आएगी। जल्दी मैं उनकी गलत फहमी भी दूर कर दूंगा। असली अनुराग की बात सुनकर केके कहता है, ठीक है तुम अपने काम कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। असली अनुराग कुछ और कहने ही वाला होता है कि तभी केके के केबिन का दरवाजा खुलता है और पीछे से आवाज आती है, ओह मेरे साहब सादे काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। जब ये आवाज असली अनुराग के कानों में पड़ती है तो वो केके से कहता है, बॉस आप अपने बाकी के काम निपटा लो, मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद केके वीडियो कॉल कट कर देता है और मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है। पीछे जो औरत खड़ी हुई है वो ललिता है। ललिता अभी अभी लखनऊ आई है और सीधा केके के ऑफिस आ गई। वो इस वक्त केके से काफी नाराज है। वो जब यहाँ से गई थी तब भी केके से गुस्सा थी, अब जब वो लौटी है तो और ज्यादा गुस्से में लौटी है। ललिता का गुस्सा देखकर केके समझ जाता है कि ललिता को सब पता है। ललिता गुस्से में केके से कहती है, तुम मेरे बेटे हो या ब्रजेश कामला के? केके ये सुनते ही ललिता से कहता है, मॉम ये कैसी बात है, मैंने कब कहा कि मैं ब्रजेश कामला का बेटा हूँ? ललिता ने गुस्से से केके की ओर देखा और कहा, लगता है तुम्हारा खून जा गया इसलिए अपने बाप पर अचानक से दया आ गई, वरना तुम उनकी मदद करने की सोच भी नहीं सकती। केके जानता है कि उसकी माँ से अच्छा ताना इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा इंसान नहीं मार सकता। केके ललिता को समझाने के लिए कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी ललिता आगे कहती है, मुझे अकल मत देना, मैंने तुम्हें पैदा किया है, औलाद बनकर रहो, ये बॉस के लिए अपने चेले चपाटों को दिखाना। केके समझ जाता है कि ललिता उसकी एक नहीं सुनने वाली, इसीलिए वो अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और कहता है, मॉम मैं नहीं चाहता कि मैं उस आदमी की मदद करूं, ये तो स्पर्धा की जिद थी, तब भी मैंने उससे यही कहा था कि मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। स्पर्धा का नाम सुनकर ललिता थोड़ी शांत हुई। ललिता ने नाराज होते हुए कहा, क्या तुमने स्पर्धा को ये नहीं बताया कि मैं ब्रजेश कामरा से कितनी नफरत करती हूँ? केके को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे ललिता को समझाए। अगर वो ब्रजेश की मदद करता है तो ललिता गुस्सा हो जाएगी, और अगर वो अपने डैड की मदद नहीं करता है तो स्पर्धा अपसेट हो जाएगी। केके का दिमाग खराब हो रहा है, उसे लग रहा है कि वो कैसे अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में फंस गया है। केके कुछ सोचता है, फिर अपनी कुर्सी से उठकर ललिता के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, मॉम स्पर्धा भी जानती है कि आप और मिस्टर ब्रजेश कामरा एक दूसरे के साथ नहीं रहते, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि हम में से कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता। ब्रजेश ने खुद स्पर्धा को इतना हर्ट किया है कि वो खुद ही उनकी हेल्प नहीं करना चाहेगी, लेकिन इस वक्त बात कुछ और है। ललिता जब केके का थोड़ा सीरियस फेस दिखती है तो उसे समझ नहीं आता कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो ना चाहते हुए भी केके और स्पर्धा ब्रजेश की मदद करना चाहते हैं। ललिता कहती है, मुझे बताओ ऐसी क्या मजबूरी है? केके कहता है, मजबूरी जानने से पहले आप ये जान लो कि ब्रजेश के साथ क्या हो रहा है। आयरा उनकी पीठ पीछे ही उनके खिलाफ प्लान बना रही है। ये बात भी इतनी शॉक करने वाली नहीं है। बात सबसे दिलचस्प ये है कि इस बार अभय के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पता चला है जिसका इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। जब ललिता ये बात सुनती है तो एक बार उसका मन करता है कि काश वो इस वक्त ब्रजेश कामरा को सच बताकर उनका झूठा ईगो खत्म कर दे। लेकिन तभी ललिता को अपने पास की वो सारी बातें याद आ जाती है जिनकी वजह से वो आज तक ब्रजेश से नफरत करती है। वो तुरंत अपना मूड बदलती है और कहती है, उनके परिवार में जो मर्जी हो रहा हो हमें क्या करना, तुम लोग उनकी मदद नहीं करोगे बस, अगर तुमने ये किया तो मुझसे कभी दोबारा बात मत करना। ललिता की बात सुनते ही केके कहता है, देखा आप इतनी गुस्से में हैं कि हमारी बात ही नहीं सुन रही।
ललिता को याद आता है कि केके उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने वाला था। ललिता कहती है, अच्छा ठीक है बताओ। केके कहता है, स्वधा बस ब्रजेश कामरा की मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि हम दोनों ने सोचा है कि हमें अपना बेबी करना चाहिए। हम उसका प्लान कर रहे हैं। स्वधा का मानना है कि वो इतनी अच्छी शुरुआत किसी से नफरत करके नहीं करना चाहती। वो जानती है कि मैं और आप दोनों उस आदमी से कितना चिढ़ते हैं, पर वो नहीं चाहती कि हमारा बच्चा भी उससे नफरत करे, इसलिए वो अपनी तरफ से ब्रजेश को माफ करना चाहती है। जब ललिता ये बात सुनती है कि स्वधा और केके बेबी प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ भूल जाती है। वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे ब्रजेश कामरा जैसे याद ही नहीं रहता। ललिता खुश होकर कहती है, क्या बात बताई तुमने बेटा, मेरा दिल ये सुनकर बहुत बहुत खुश हो गया। मैं कब से सोच रही थी कि कब तुम दोनों मुझे खुशखबरी दोगे। चलो तुमने एक स्टेप आगे बढ़ाने का सोचा तो मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। अब केके ने ये बात कह तो दी, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ केके ही जानता है। जब ललिता नॉर्मल हो जाती है तो केके उससे कहता है, मॉम मैं किसी को बोल देता हूँ आपको घर छोड़ने के लिए, आप जाइए और आराम करिए। ललिता कहती है, हाँ ठीक है, कुनिका भी आने वाली होगी। केके हाँ में सिर हिलाता है और फिर थोड़ी ही देर में ललिता वहाँ से निकल जाती है। ललिता कोई आम लेडी नहीं है, वो उतनी पावरफुल है जितना कि केके। वो सारी बातें जानती है जो जो ब्रजेश कामरा करता है। ललिता के बहुत सारे सोर्स हैं जो केके से लेकर कुनिका तक और ब्रजेश से लेकर उसके बिजनेस और बाकी सभी चीजों पर नजर रखते हैं। ललिता से कुछ भी छुपाना आसान नहीं है, यहाँ तक कि केके पर हमला हुआ इस बात की खबर और ये हमला किसने करवाया इस बात की भी खबर ललिता को है। वो बस केके को जाहिर नहीं करती और केके भी जानता है कि उसके हर मूव पर ललिता की नजर है। ललिता के जाने के बाद मोनिका केके से मिलने उसके केबिन में आती है। मोनिका केके से कहती है, बॉस मैंने स्काइकिंग कंपनी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। केके ये सुनकर एकदम से सीरियस हो जाता है, जैसे एक एक डिटेल उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। स्काइकिंग कंपनी किसकी कंपनी है? क्या केके ने ललिता से जो भी कहा वो सब सच है? केके किस तरह से ब्रजेश की हेल्प करेगा? स्काइकिंग कंपनी के बारे में मोनिका को ऐसी क्या खबर मिली है जो केके के लिए बहुत काम की है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए जहरिया प्यारी की कहानी।